हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सैयद वंजाशा एंड यू वाचिंग एक्स्ट्रा ऑनलाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आज बेसिकली बहुत ज़्यादा बादल निकले हुए हैं एंड बारिश का मौसम है। हैदराबाद में आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं एंड प्लीज़ डू प्रे फॉर अस, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं एंड आई होप कि इंडिया में भी सब कुछ ठीक है। आज जो है मैं फिर से जो है ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो पे रिएक्शन करने वाली हूँ एंड आई थिंक इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। तो गाइस, टुडे बेसिकली आई एम गोइंग टू बी रिएक्टिंग ऑन ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो, ठीक है। ट्रिगर्ड इंसान एक FT पाकिस्तानी मूवीज़, उस पर अब रिएक्शन करने वाले। वैसे मैंने कभी अपनी पाकिस्तानी मूवीज़ नहीं देखी जितनी मैंने इंडियन मूवीज़ देखी हैं। Honestly telling, I haven't seen old Pakistani movies in my life. कभी ज़िंदगी में नहीं देखी मैंने। कभी कभी ऐसे चल रही होती तो मैं अम्मी से पूछती हूँ, ये पाकिस्तानी मूवीज़ थी पुरानी? तो अम्मी बोलती हैं हाँ, बहुत ही अजीब ड्रामेज फिर भी अच्छे हैं, बट पाकिस्तानी मूवीज़ इतनी घटिया। आई मीन आप देख के ही करेंगे कि इतनी गंदी मूवी। हमेशा बॉलीवुड की मूवीज़ ही अच्छी होती हैं, सो आई प्रेफर बॉलीवुड एंड बॉलीवुड के ड्रामे अच्छे नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता, इंडियंस के ड्रामे अच्छे नहीं होते और हमारे ड्रामे अच्छे होते हैं, और पाकिस्तानियों की फिल्में अच्छी नहीं होती बट इंडियंस की फिल्में अच्छी होती, ड्रामे अच्छे नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता ये क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा गाइस, लास्ट वीक मेरे को कोविड हो गया, जो इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा, एंड मैंने 2 वीक से चैनल पे कोई वीडियो नहीं पोस्ट करी, एंड इससे पहले के यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरे चैनल को आग लगा कर तबाह कर दे। मैं कुछ भी बना रहा हूँ, सो प्लीज हाथ जोड़ के आप लोगों से नमन है, ये जो भी है जैसा भी है इसे बर्दाश्त करे, स्वीकार करे, धन्यवाद। पता है फिल्मों की एक बात जो मुझे बहुत पसंद है ना, कि आपको चीजों का वो यूज भी पता चल जाता है जिनके लिए वो कभी बनी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक गमछे का क्या यूज होता है? गले में डाल के शो ऑफ करने के लिए, घर की सफाई करने के लिए, अपना खुद का करियर खत्म करने के लिए। ऐसे बहुत सारे और नॉर्मी यूजेस हो सकते हैं एक गमछे के, लेकिन फिल्मों में गमछे का एक अलग ही यूज है। मिथुनदा इज गॉड, ये तो हमें पता था लेकिन आज हमने देख भी लिया है। देखिएगा इस, जहाँ पे हर विलन के पास एक तेज तर्रार चाकू तलवार जैसा कोई वेपन था, मिथुनदा ने सिर्फ गमछे से इस विलन की गर्दन काट दिया। हाँ भाई, मुझे पता है तू बहुत शौक में है, हम भी बहुत शौक में है, हमें भी नहीं समझ आया ये कैसे हुआ गमछे से गर्दन काट दी। दिस इज बियॉन्ड साइंस। और मिथुनदा यहीं पे नहीं रुकते हैं, यहाँ पे देखिए ये दंत मंजन दिया है इन्होंने गमछे से और उसका मुंह कट गया, दैट इज वेरी शॉकिंग। और अच्छा, यहाँ पे सीक्रेट रिवील हो गया, गमछे के अंदर ब्लेड थे और ये गमछा घुमाया और चारों के चारों विलन नल्ले तो होते ही है विलन, और यहाँ पर नल्ला बना दिखाया मात्र गमछे से, सिर्फ गमछे के एक प्रहार से ये नल्ले जो चित हुए हैं। मिथुनदा आप भगवान हैं, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें, मेरी एकता। अच्छा गाइस वेट, अच्छा मुझे अब इस बात पे बहुत हंसी आ रही है जब ये बोल रहे हैं कि मतलब गमछे के अंदर, पता नहीं गमछा बोलते जो भी था, हम तो रुमाल बुलाते हैं, तो गमछे के अंदर इन्होंने ब्लेड्स डाले हुए हैं। मतलब हैरत की बात है, जो पहना हुआ था उसके अंदर ब्लेड्स पड़े हुए हैं, मतलब उसके ही अंदर ब्लेड्स पड़े हुए हैं, उनको लग नहीं रहे थे क्या? मतलब वैसे बहुत फनी है। मुझे वीडियो अभी स्टार्टिंग से ही बहुत मजा आ रहा है वीडियो देखने में, क्या आगे क्या होता है। दिस वीडियो इज 8 मिनट्स लॉन्ग, सो या बहुत बड़ा खिलाड़ी का क्या बोलने लगे मैं। सो एनीवेज गाइस, ये तो अभी हमने देखा एक गमछे का उपयोग, ऐसे ही एक नलके का उपयोग अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए। लेकिन नहीं गाइस, अगेन मूवीज में नलके का एक अलग ही यूज होता है। अच्छा मुझे लगता है ये साउथ इंडियन मूवीज है, और साउथ इंडियन मूवीज में हमेशा अजीब से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट साउथ इंडियन मूवीज बहुत ही मतलब जो आप चीज़ें कर ही नहीं सकते लाइफ में, मतलब विच इज़ इम्पॉसिबल। साउथ इंडियन मूवीज में हमेशा यही दिखाते हैं कि मतलब इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं, एंड आई थिंक ये साउथ इंडियन मूवीज है, इस पर इन्होंने पाकिस्तानी मूवीज लिख दिया है। दिस इज नॉट पाकिस्तानी बाय द वे। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे
यार ये बिल्कुल बादल आ गए। वही पुराना कमरा है पर नई चेयर है, वही मैं अपनी सी शक्ल लेके एक बार फिर से आ गया हूँ गाइस। एंड अब जो हम अगला सीन देखने वाले हैं, हम बॉर्डर के इस तरफ से बॉर्डर की उस तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के एक बहुत ही कमाल का एक्शन सीन। एक बंदा जो एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करके नमाज पढ़ रहा है उस पे गोली चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ भाई मूंछों वाले गंजे, बहुत बड़ा शार्प शूटर है रे तू, तेरे से ऐसा स्टैटिक टारगेट तो हिट ना हो रहा, तू बनेगा बहुत बड़ा शार्प शूटर है। पैसे कैसे चलेगा तेरी, शेम ऑन यू मूंछों वाले गंजे। और एक बात बताओ, ये गोली चलती तो है, इसकी गोली से निकलती है फिर ये इंसान को डॉच करके ये पीछे दीवार में जाके, ये क्या हो रहा है भाई, 2 इंच की गोली से दीवार में एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोड हो जाएगा भाई विस्फोट। अरे बीच में वो टिकटॉकर लगा दिया है। बाय द वे वाकई में दिस इज इम्पॉसिबल कि मतलब गोली जो है बिल्कुल स्लोली स्लोली आ रही है आपके पास, ये दिस इज इम्पॉसिबल। एंड सूरज बिल्कुल चला गया यार, मैं बिल्कुल अंधेरे में, ऐसा लगा आई एम रियली सॉरी फॉर बैड लाइटिंग बट मेरे पास यही लाइट है सीरियसली। बहुत दिन हो गए मैं सोच रही हूँ मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, पता नहीं क्या है यार, ये सूरज ही नहीं निकल रहा, पता नहीं क्या है। किसी ना किसी तरीके से गोली डॉज हो रही है, अब ये क्या हाथों की शक्ति से गोली रोक दी है इसने बीच हवा में, ठीक है ओके हो सकता है पॉसिबल है ठीक है। अब इसने ये गोली को हाथ में पकड़ा है एंड बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करते हुए बस कर जा यार सीरियसली, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। एक गोली को साइड में फेंका, बहुत ही ज्यादा थग लाइफ स्वैग का नजारा यहाँ पे। और अब ये बंदा खड़ा होगा और क्या करेगा, ऑब्वियसली जो गंजा नहीं कर पाया इतनी देर से, अब ये हीरो हमारा करके दिखाएगा। हाँ भाई देख गंजे ऐसे ऐसे चलाते हैं गोली, आया बड़ा शार्प शूटर। ये क्या था, ये पाकिस्तानी मूवी है, लिटरली गाड़ियां ऐसे लग रही है, वो जो नहीं वो लग रही है जो मैं पहले पहले गेम खेलती थी बचपन में, वैसी गाड़ियां गेम की जैसे लग रही है, मतलब बहुत ही अजीब गाड़ियां लग रही है, बहुत है। अगर पिछले 20 सेकंड में घटित घटनाओं को देखने के बाद आप अपने खुद के अस्तित्व पर ही सवाले चिन्ह करने लगे हैं ना, तो भी मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, मैंने बहुत सारे भारी भारी वेलकम वर्ड्स डाल दिए ताकि लगे कि मैंने कुछ बढ़िया सा बोला। अब इसी बात पे तालियां मारो, ये क्या हुआ, ये बाइक चलते चलते हवा में आई और एकदम से पेंटिंग बन गई और उसके बाद कहीं टेलीपोर्ट हो गई, ये मेरे को नहीं पता। मैं वाकई में ऑनेस्टली फील ऐसा हो रहा है कि जैसे नॉर्मली जैसे गेम्स होती हैं, गेम में से कोई किसी ने पिक्चर निकाली और फिर चला दिया, चले स्टार्ट करते हैं। मजरा भी नहीं चाहता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना सोचने जाऊंगा मेरा दिमाग फट जाएगा, मतलब कुछ भी। स्वीकार करे, आप पुरुष नहीं है, महापुरुष इंसानी शक्तियों में ऐसा नहीं हो सकता, अपनी गर्दन से पूरी की पूरी सीढ़ी तोड़ देना बाल कृष्ण बाबा की। सारे बोलो जय जय बाल कृष्ण बाबा के। इस सीन में हम देखते हैं कि कुछ जंगली पागल कुत्ते बाल कृष्ण बाबा को काटने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। ओ माय गॉड बाल कृष्ण बाबा पीछे देखो, पीछे और ये बाल कृष्ण बाबा ने पीछे देख और Oh, my God.
कृष्ण बाबा, मैं आज से आपका सच्चा भक्त हूँ बाले कृष्ण बाबा। बाले कृष्ण बाबा की आंखों में से नीली नीली रेजेस निकली, कुत्ते ऐसे है हो गए। बाले कृष्ण बाबा आप ऐसा कैसे करते हो जी? उन्होंने कड़ी तपस्या से अपने आपको इस काबिल बुलाया है। कसम से मैं खत्म हो गई हूँ, इतना हंसा रहा है यार। कसम से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतनी हंसी आएगी, पर मुझे ना पेट में दर्द हो गया हंस हंस के। फिर से स्टार्ट करते हैं। दिखाया हमने, मान लिया, क्योंकि क्या है, हम तो गधे हैं। हम गधे हैं, आप जो दिखाओगे हम वो लपेट लेंगे। रॉकेट लॉन्चर की भी कोई इज्जत तो है नहीं, जरूरत पड़ने के हिसाब से गाड़ी किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूम जाती है। तो लॉजिक सेंस इन सब की बात करना तो भाई खैर बेवकूफी है। इतना ही है आज दिखाने के लिए तुम लोगों को। कर दो वीडियो को लाइक, कर दो एक बीमार की आखिरी इच्छा तो नहीं है, इच्छा पूरी कर दो। गाइस मैं बीमार हूँ ना गाइस, वीडियो को लाइक करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। चलो, बाय द वे दिस वीडियो वाज सो फनी एंड आई रियली रियली लाइक दिस वीडियो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो। बाय द वे मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी वीडियो, आई रियली रियली लाइक द वीडियो एंड आई नो लाइटिंग बहुत बकवास है, आई एम रियली रियली सॉरी गाइज। मुझे लगा था कि ये कोई पाकिस्तानी जो न्यू मूवीज़ हैं जो रिसेंटली अभी अभी आई हैं उन मूवीज़ की ये जो है मीम्स बनाएंगे, बट रिगर्ड इंसान ने इसमें ओल्ड पाकिस्तानी मूवीज़ और साउथ इंडियन मूवीज़ को जो है कंबाइन करके और उस पर मीम्स बनाई एंड आई रियली रियली लाइक द मीम्स। और ये भी एक मीम्स ही है ना, मतलब इस पर मजाक करना दैट्स एंड ऑब्वियसली बनानी भी चाहिए, ऐसी मूवीज़ पे मीम्स बनानी भी चाहिए आई थिंक। बाय द वे मुझे लगता है साउथ इंडियन मूवीज़ लिटरली जो हमारे सिंधी हैं बिल्कुल सिंधी जैसे लगते हैं। आई फील लाइक हम सिंधी से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आई एम ऑल्सो अ सिंधी बट आई लिटरली फील लाइक कि बहुत ज़्यादा सिंधी से मिलते हैं। सिंधी थोड़े हम सिंधी थोड़े फनी लगते हैं एंड हमारा लहजा जो हमारी बात करने का तरीका है वो भी लिटरली सेम है, बट वो सिंधी ना थोड़े चीप लगते हैं, बट कुछ कुछ सिंधी मेरी तरह चीप नहीं लगते। आई एम नॉट अ चीप दी, वैसे बात करने भी फनी लगती है, मतलब आई डोंट नो वाई बट सिंधी फील्स सिंधी साउंड्स वेरी फनी, आई डोंट नो वाई। मैं सिंधी में बात करती हूँ तो लोगों को हंसी आती है, आई डोंट नो वाई बट पीपल्स फील कि सिंधी जो है फनी है, सिंधी साउंड्स फनी, आई डोंट नो वाई। मुझे सिंधी मतलब बिल्कुल सिंधी और साउथ इंडियन बिल्कुल सेम लगते हैं एंड बहुत फनी थी एंड ट्रिगर्ड इंसान की मुझे हर वीडियो अच्छी लगती है। ऑनेस्टली मुझे लगता है मैंने ट्रिगर्ड इंसान की सारी वीडियोस देखी हुई हैं, बट आई रियली लाइक द वीडियो। सूरज बिल्कुल चला गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू रिएक्शन। और अगर आपको किसी और वीडियो पे मुझे रिएक्शन करवाना है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम बैक टू माई ओल्ड रूटीन, तो अब इंशाल्लाह से मैं लगातार वीडियोज़ बनाती रहूँगी एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो या गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ विनीता पू एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन टिकटॉक बिकॉज आई एम बैक ऑन टिकटॉक एज यू ऑल नो दैट एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, माई फेसबुक इज सैयद वनीज़ा। सो या, बाय, टेक केयर।